और भाइयों कैसे हो आप सब। सही मिशन में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ IQ90 का एक नया अपडेट का वीडियो। और ये अपडेट जो है कल ही मेरे पास आया है और मैं इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज भी कर रहा हूँ। और यहाँ पे इस अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो ये लेटेस्ट नया अपडेट आया है IQ90 में कल मेरे फोन में। और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जो अपडेट है ये कितना MB का है। तो ये भाई 348 MB का लगभग ये अपडेट आया था। काफी सारी चीज जो यहाँ पे चेंज हुई है तो यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा आप लोग को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन का ऑल जरूर कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि IQ90 का जो नया अपडेट आया है लेटेस्ट अपडेट ये कैसा है और क्या क्या चीज जो है चेंज हुई है इसमें। तो भाई यहाँ पे जो है मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज जो नया चेंज हुआ है। 348 MB का लगभग ये अपडेट आया था। और 348 MB जो है आप लोग को यहाँ पे आप लोग के फोन में भी आएगा IQ90 में। तो इसमें जो चेंजेस हुई है वो ये है कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेटवर्क में चेंज हुई है। मीन्स कि किसी के डिवाइस में, मेरे डिवाइस में प्रॉब्लम नहीं था बट काफी डिवाइस में ऐसा प्रॉब्लम था कि वाईफाई ऑन रहते हुए वाईफाई कनेक्ट नहीं होता था, तो उसको अब फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे दूसरा जो है वो इम्प्रूव हुआ है फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो चीज है वो इम्प्रूव हुआ है। हम लोग जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जो यूज करते हैं तो ये काफी लोगों की रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी या फेल हो जा रही थी, अनलॉक नहीं हो रही थी, वो चीज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अगेन ये प्रॉब्लम मेरे डिवाइस में नहीं था, काफी लोगों के डिवाइस में ये प्रॉब्लम था तो वो चीज फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पे जनवरी 2023 का गूगल सिक्योरिटी पैच दिया गया, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आप लोग को यहाँ मिलता है, ठीक है। और ये भाई मेरा फेवरेट चीज जो है, यानी कि मेरा मन पसंदीदा चीज जिसके लिए मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था, वो फाइनली जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि इसका जो पूरा ओवरऑल UI है वो चेंज हो गया। ये अब थोड़ा सा ओप्पो का अगर फोन आप लोग यूज किया हो गया, वन प्लस का, तो भाई इस तरह का UI आता है, देखो, ठीक है। UI चेंज हो गया, पहले ऐसे लिखा हुआ था बट यहाँ पे अब पूरा सेक्शन बना दिया गया वॉलपेपर के लिए, थीम्स के लिए। अब यहाँ पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लाइव वॉलपेपर वही है, कुछ नया लाइव वॉलपेपर नहीं आया है और ना ही वॉलपेपर आया है कुछ नया। अब यहाँ पे अगर आप थीम्स में जाओगे तो भाई जितना फोन मैंने यूज किया है और सबसे बकवास थीम स्टोर इसका लगा है, क्योंकि भाई 90% यहाँ पे पेड थीम मिलता है। जो 10% है वो भी आपको फ्री का कैटेगरी में दी गया है, फ्री का आपको सेक्शन मिलेगा नहीं, वो आपको खोजना पड़ेगा भाई, आप खोजते खोजते आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो UI कलर है, ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो चीज जो है वो एड हुआ है वो ये है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। अब आप जाओगे तो देख लो UI चेंज, सेक्शन चेंज, कैटेगराइज चेंज, सारा चीज चेंज हो गया है। और ये MIUI के तरह थोड़ा बहुत जो है UI आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पे कुछ काफी चीज चेंज हुआ है, देखो नए नए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आए हैं। पहला देखो ये आया है, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नया है, इसमें मैं क्लिक किया, ये नया है, ये नया है, ये नया है, ये तो भाई सब पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पे नए जो है ये आए हैं क्लॉक में, ये तो पुराना है। ये पर्सनल स्टिकर्स में जाओगे तो ये नया आया है, ठीक है, और बाकी भाई सब पुराना है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये मैंने लगाया है फोटो, ठीक है, ये नया आया है, सिर्फ एक नया आया है। और भाई बाकी सब वही है। यहाँ पे एनालॉग क्लॉक ये सर नया आया, ये पहले नहीं था। कमेंट से मुझे बताना है कि ये था या नहीं था, ये लग रहा है नहीं था यार, ये नया आया है और ये भी नया आया है। सबसे बेस्ट है कि भाई मैं इसको ये लगा देता हूँ और ये मस्त लग रहा है, देखो लगा के मस्त लग रहा है भाई। ब्लैक ब्लैक एमोलेड डिस्प्ले पे, रेड रेड लाइट, काफी जच रहा है और काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई ये चीज चेंज हुआ है और मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई और भी एमोलेड डिस्प्ले का जो है थीम्स वगैरह स्किन्स वगैरह इसमें आए ताकि आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओ और भाई इस OS को कस्टमाइजेशन जो होता है। चलो इस वीडियो पे इतना ही था, आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो लाइक दबा देना और अगर आप लोग ने अपडेट नहीं किया तो जाकर अपडेट कर लो यार,
काफी अच्छा अपडेट है, अगर नहीं आया तो कुछ दिन वेट कर लो, अपडेट आ जाएगा OTA के थ्रू। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक दबा कर शेयर जरूर कर सकते हो, और चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब दबा देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहे और आप लोग हमारे वीडियो को ऐसे एंजॉय करते रहे। चलो कुछ पूछना तो कमेंट से पूछ सकते हो। चलो मैं फिर मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लीजिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना।